मेरी प्यारी माँ, मेरी माँ आज भी अनपढ़ ही है। रोटी एक मांगता हूँ और वो दो ला कर देती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही होती है हमारी माँ। एक माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। शायद इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कभी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। जब एक रोटी के चार टुकड़े हो और खाने वाले पांच, तब मुझे भूख नहीं है, ऐसा कहने वाली सिर्फ माँ होती है। हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है उस माँ को, उनके चेहरे पर न थकावट देखी, न ममता में कभी मिलावट देखी। घर में चाहे कितने ही लोग क्यों न हो, अगर माँ न दिखे तो घर खाली खाली ही लगता है। माँ बाप की दवाई की पर्ची अक्सर गुम हो जाती है, पर लोग वसीयत के कागज बहुत अच्छी तरह संभाल कर रखते हैं। आज फिर गुजरा जमाना याद आता है, मुझे आज घर का खाना याद आता है। दिन भर की थकावट जब भूख में बदलती है, वो प्यार से माँ का खिलाना याद आता है। मेरी खातिर तेरा रोटी पकाना याद आता है, अपने हाथों को चूल्हे में जलाना याद आता है, वो डांट डांट कर खाना खिलाना याद आता है, मेरे वास्ते तेरा पैसा बचाना याद आता है। कहीं हो न जाए घर की मुसीबत मुझको मालूम, छुपा कर तकलीफे तेरा मुस्कुराना याद आता है। जब आए थे तुझे हम छोड़कर परदेश मेरी माँ, मुझे वो तेरा आंसू बहाना बहुत याद आता है। जिंदगी के सफर में हम बहुत आगे निकल जाते हैं, नए रिश्ते बनाते हैं, नए दोस्त बनाते हैं, और अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं कि उस माँ का हाल पूछने के लिए फुर्सत भी नहीं होती। हम उस माँ को भूल जाते हैं जिसने हमको हर मुसीबत में अपने सीने से लगा कर रखा। दोस्तों एक बात जरूर याद रखना, जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, तब भी आपकी माँ आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। वो हमेशा केवल आपके साथ ही रहेगी, वो हमेशा केवल आपका ही भला चाहेगी। किसी ने माँ के कंधे पर सर रखकर पूछा, माँ कब तक अपने कंधे पर सोने दोगी? माँ ने कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधे पर न उठा ले। जब नोटों का रंग बदला तो कई लोगों की जान निकल गई। जरा सोचो, जब औलाद रंग बदलती है तो माँ बाप पर क्या बीतती होगी। दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता जब बच्चे कहते हैं कि तुमने क्या ही क्या है हमारे लिए। जब हम बोलना ही नहीं जानते थे तो हमारे बोले बिना ही माँ हमारी बातों को समझ जाती थी, और आज हम हर बात पर कहते हैं कि छोड़ो भी माँ, आप नहीं समझोगी। तेरे डिब्बे की वो दो रोटियाँ कहीं बिकती नहीं माँ, महंगे होटलों में आज भी भूख मिटती नहीं माँ, भरे हुए घर में तेरी आहट मिलती नहीं माँ, तेरी बाहों की नरमाहट कहीं मिलती नहीं माँ। मैं तन पर लादे फिरता हूँ दुसाला रेशमी, लेकिन तेरी गोदी की गर्माहट कहीं मिलती नहीं माँ। दोस्तों कुछ ऐसी होती है माँ, अपने बच्चों के सपनों के लिए त्याग सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। दुनिया में सिर्फ माँ ही ऐसी है जो साल के 365 दिन बिना छुट्टी और पगार के काम करती है। सिर्फ फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया क्या कहती है, मैं खूबसूरत हूँ बहुत, ये मेरी माँ कहती है। दोस्तों बचपन में माँ का चोट पर हल्के से फूंक मारना और कहना बस अभी ठीक हो जाएगा, वैसा मल्लम आज तक तो कहीं नहीं बना। बहुत बुरा हो फिर भी उसको बहुत भला कहती है, अपना गंदा बच्चा भी माँ दूध का दूल्हा कहती है। सीधा साधा भोला भाला, मैं ही सबसे सच्चा हूँ, कितना भी हो जाऊँ बड़ा, माँ आज भी तेरा बच्चा हूँ। दोस्त पूछते हैं कितना कमाया, पत्नी पूछती है कितना बचाया, बेटा पूछेगा कि मेरे लिए क्या लाए, पर माँ ही ऐसी है जो पूछेगी बेटा खाना खाया। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर तीन चार बेटों को पाल लेती है माँ, लेकिन उन्हीं चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। दोस्तों माँ जो भी बनाए उसे बिना नखरे किए खा लिया करो, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास या तो खाना नहीं होता या माँ नहीं होती। मेरी तकदीर में एक भी गम नहीं होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। शायद यही वजह है उम्र कोई भी हो
लेकिन जब चोट लगती है ना, पहला लफ्ज माँ ही निकलता है। दोस्तों, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये हर बेटे तक पहुँच जाए। हमारी आपसे यही विनती है कि आप कभी भी अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं आने देना।